रियासती गवर्नर टी सुंदराजन ने जुबली हिल्स हाई प्रोफाइल गैंगरेप पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी से अंदरून दोयम मुकम्मल रिपोर्ट उन्हें रवाना करने की हिदायत दी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा और कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत से बात करते हुए उन्हें तवज्जो दिलाई कि ईद उल अज़हा से पहले बाज़ अनासर जानवरों की मुंतकली के नाम पर शहर की पुरमन फिज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। शहर की फिज़ा को मगदर करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में मजलिसी अरकान मुकर्रना को दोनों पुलिस कमिश्नर्स के पास अपने मकतूब के साथ नुमाइंदगी के लिए रवाना किया। सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा, कौसर मोहीउद्दीन रुकन असम्बली, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी रुकन कानून साज काउंसिल के अलावा कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद से उनके दफातर में मुलाकात करते हुए सदर मजलिस का मकतूब उन्हें हवाले किया। सदर मजलिस ने अपने मकतूब में बताया कि आइंदा माह ईद उल अज़हा के ज़िमन में क़ुरबानी देने वाले अफराद और ताजरीन अपने साथ शहर को जानवर ला रहे हैं जिनकी क़ुरबानी की इजाज़त है, लेकिन बाज़ गैर समाजी अनासर जो खुद को किसी तंजीम से वाबस्ता ज़ाहिर करते हैं इन जानवरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। BJP की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने खुद अपनी ही पार्टी की इख्तदार वाली रियासतों में पसमानदगी की पोल खोल दी। उन्होंने अमेरिका के न्यूजर्सी में एक NRI के मकान में बात करते हुए कहा कि जनूबी हिंद के मुकाबले शुमाल हिंद में सूरत हाल बदतरीन है। बिहार, UP, आसाम, मध्य प्रदेश जैसी रियासतें काफ़ी पसमानदा हैं। शुमाल हिंद में काफ़ी गुर्बत पाई जाती है। रियासती वजीर कुप्पला ईश्वर ने ज़िला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम की सताइश की। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम से रियासत में मुख्तलिफ मुकामात की नई सूरत गिरी हुई है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उन्होंने रैतु वेदिका का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों से मवाजात की तरक्की हुई है और नई सूरतगिरी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने इस मौके पर बाज तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने गांधी मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि अपनी डिग्री की तकमील के बाद कम्युनिटी सर्विस में जाएं ताकि तिब्बी पेशे के वक़ार को मज़ीद बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि नए डॉक्टर्स के लिए बस्ती दवाखानों, देही और शहरी मराकज़ सेहत में भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि MBBS मुकम्मल करने वालों के सिलसिले में तेलंगाना में नशस्तों में इजाफा हुआ है। मुतहद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में सिर्फ 570 नशस्तें थीं जो अब बढ़कर 1212 हो गई हैं। SR नगर पुलिस ने BK गुड़ा पार्क SR नगर से 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऑनलाइन बीटिंग का रैकेट बेनकाब किया। जुवेल डिविस डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन हैदराबाद की इतला के मुताबिक पुलिस ने 26 साल विशाल पटेल साकिन गौलीगुड़ा, 42 साल कमलेश रावत साकिन गौलीगुड़ा और 28 साल पटेल साकिन गौलीपुरा को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1.15 करोड़ रुपए की नकद रकम, 4 सेलफोन और नोट गिनने की मशीन जब्त की। तफसीलात के मुताबिक ये लोगों को मुख्तलिफ कोरियर बॉय की हैसियत से काम करवाते थे। पुलिस ने बताया कि विशाल पटेल और कमलेश रावत ने मिलकर भाईनॉन.com के नाम से एक वेबसाइट बनाते हुए ऑनलाइन बिटिंग शुरू की थी। इसका असल ऑर्गेनाइज़र धर्मेश भाई है जो दरअसल गुजरात का रहने वाला है। ऑल इंडिया गौ सेवा फाउंडेशन के सदर बालाकृष्ण स्वामी ने मुतालबा किया कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए। फाउंडेशन ने गायों को मसलख जाने से रोक दिया। उन्होंने इस मौके पर इन गायों को मंदिर मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ां नागर करनूल के एक किसान को इन गायों का अतिया दिया गया। गांव रक्षकों ने कहा कि तिरुमला तक पद यात्रा की जाएगी। गरीब किसानों को इस मौके पर 100 गायों का अतिया दिया जाएगा।
पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चल्लापल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर तरक्याती कामों का कारपोरेटर श्रीदेवी ने इफ्तिताह किया और संघ की बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामा राव ने पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद सफाई को यकीनी बनाना है और अवामी मसाइल को हल करना है। गुलबर्गा में पेश आए वाक़े की नाशों की आज आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। चार नाशें गांधी हॉस्पिटल से अलवाल बंजारा कॉलोनी मुंतकिल की गई। उनकी शिनाख्त अर्जुन कुमार, उसकी बीवी सरला देवी, बेटा विवान के अलावा एक 58 साल खातून अनीता के तौर पर की गई है। तलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने जुबली हिल्स के एक पब का मुहासिरा किया और पब में रात देर गए तक नाबालिग लड़के लड़कियों के दाखिल होने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। वहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर यूथ कारकुनों ने नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने शमशाबाद में वाक़ दो पब्स का मुहासिरा किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। हालिया दिनों के दौरान पब्स में मुकर्रब अखलाक डांस और पब्स में आने वालों की गैर अखलाकी हरकत के पेश नज़र ये मुहासिरा किया गया। ये कारकुन अचानक वहां पहुंच गए और पब्स को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने रात देर गए तक इन पब्स को खुला रखने पर एतराज़ किया। ये पब्स शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब हैं। इस मौके पर NSUI के लीडर वेंकट ने कहा कि पब्स में शराब नोशी और इस्मत रेजी के वाक़ियात पेश आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन पब्स की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन पब्स को फौरी तौर पर बंद करने के इकदाम किए जाएँ। इस मौके पर पब्स के ज़िम्मेदारों और वेंकट के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। उन्होंने कहा कि इन पब्स में आने वालों के लिए उम्र की भी कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। शमशाबाद में एक नए दीनी तालीमी अकामती दर्जगाह जामत तौहीद का आगाज अमल में आया है, जहां असरी व दीनी तालीम तरबियत का इंतजाम किया गया है। इस सिलसिले में मस्जिद उमर फारूक सिद्धेश्वर कॉलोनी में इफ्तिताही तकरीब ज़ेर सदारत अमीर जमात अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद मौलाना शफीक आलम जामई मुनक़िद हुई। मोहतरम जामिल सलामिया हसनुल हदीस अब्दुल रहीम खुर्रम जामई NRI इफ्तिखार शरीफ बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम अली खान तेलुगु दाई अबू हयान अम्माद उमरी और TRS के लीडर अब्दुल मुईद खान मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक थे। जनरल सेक्रेटरी इदारा डॉक्टर आसिफ उमरी ने बताया कि जामे में शोबे आलमियत और फजीलत भी बहुत जल्द कायम किया जाएगा। मुल्क में आने वाले माह अगस्त और सितंबर में 5G सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। हिंदुस्तान के टेक्नोक्रेट्स ने डायरेक्ट टू मोबाइल का कामयाब तजुर्बा किया है और DTM के आगाज़ के बाद मुल्क का हर फर्द अपने मोबाइल पर TV की तमाम नशियात का मुशाहदा कर सकेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आलमी मालियात के मौके पर इस बात का इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान ने पेट्रोल में एथेनॉल को 10% की हद तक ज़ायल करने का हदफ हासिल कर लिया है। विज्ञान भवन में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे मुल्क को 31,000 करोड़ रुपये की गैर मुल्की करेंसी की बचत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को 46,000 की आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि हमने ये निशाना वक्त मुकर्रर से 5 महीने कबल हासिल किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर नरेंद्र मोदी उन अहम शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने, जो चीफ मिनिस्टर के आबाई टाउन गोरखपुर में मुकीम है, अपने ट्वीट में तवक्को जाहिर की कि रियासत उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की क़यादत में हमागीर तरक्की हासिल करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी चीफ मिनिस्टर को अलग-अलग पैगाम के जरिए उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। BJP के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी सब भी मजाहब का एहतराम करती है। पार्टी तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से शाहान रिसालत में गुस्ताखी का हवाला दिए बगैर उन्होंने कहा कि BJP किसी भी मजहब और उसके सरबरा की तोहिन की सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी ऐसे लोगों की ना तो पुष्पनाही की और ना ही उनके ख्याल की तायद की है। सदर कुलिन तंजीम इस्लाही माशरा मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चुश्ती ने शहर में बढ़ते हुए क्राइम के पेश नज़र पब्स और बारों को बंद कर देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पब्स कल्चर के बढ़ते हुए चलन की वजह से नौजवान बुरे असरात का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो फौरी जानिब तवज्जो दें।